आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो यार आज ईद का तीसरा दिन मैं एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। ये अभी हम आए हैं एक जगह पे, ये पुराने खंडरात वगैरह बने हैं। जैन भाई से पूछते हैं इनके बारे में कि इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं जैन भाई हमें। क्यों जी जैन भाई, इनके बारे में बताएं ना कुछ। ये जी तकरीबन जो है हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि ये तकरीबन 1850 के जो है ना 1850 से बाद के हैं। तो क्यों जब 1947 में जब पाकिस्तान मतलब आज़ाद हुआ है तो उस टाइम फिर जो इधर मतलब वो थे हिंदू वगैरह, तो वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है, कुछ तो मतलब शहर वाली साइड पे चले गए थे। ठीक है, ये जगह छोड़ के। अच्छा, इस के बारे में ये भी सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ लोगों को जो है ना वो कुछ खजाने वगैरह भी मिलते रहे हैं। हाँ जी, ये ऊपर भी काफ़ी जो है ना मेरे ख्याल से बने हुए हैं कोई घर वगैरह। हाँ जी, आ जाएंगे इधर से, आ जाएंगे वगैरह जो होती है ना एंटीक चीज़ें होती हैं, सोना वगैरह या कोई मतलब उनके बुत वगैरह मिले हैं। तो अभी तो ये देखें आपके सामने ही है। आए उतरा ये ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी बने हुए हैं घर वगैरह। ये किस तरह की है, ये सारी मतलब इधर वो रहते थे पहले। ये छोटे छोटे इनके कमरे वगैरह बने हुए हैं और ये ऊपर भी जो है ना ये सारे जो है मतलब इतनी छोटी सी आबादी थी, मतलब कुछ घर इधर हैं कुछ ऊपर उस तरफ हैं। ठीक है, और पिछले दिनों मैंने सुना था कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ डिवाइसेस वगैरह भी लोग लेके आए थे। हाँ, वो भी लेके आए थे लेकिन उससे पहले जो है ना मतलब लोगों को वैसे मिल गए थे चीज़ें। ये देखें, ये पुरानी खोदी हुई है जगह। ठीक है, ये सारे मतलब इस तरह के हैं ना ये घर, ये कमरों के जो है ना वो अभी भी आसार मौजूद हैं। वैसे बनाए उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ यहाँ पे जो है ना वो आ रही है। जैन भाई उस जगह के बारे में कुछ बता रहे हैं कि वहाँ पे ये देखें इधर से जगह खोदी हुई है, इधर से जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह निकाली हैं क्योंकि ये दीवार बनी हुई है। ये सारी जो है ना ये दीवार है, ये दीवार है, ये कमरा था इधर से भी जो है ना इसमें भरी हुई है सारी। और वो बाउंड्री वॉल सी बनी हुई है वो। यहाँ से भी जो है ना ये दीवार का पता चल रहा है कि ये इनकी दीवारें वगैरह बनी हुई हैं। ये दरख्त वगैरह तो अभी लगाए हैं ना। बिल्कुल, तो पहले मतलब ये सारे पत्थरों की दीवारें जो है ना, दीवारें जो है ना इधर मतलब आबादी थी काफी जो है मतलब रहते थे इधर लोग वगैरह। ये रियासत आम पुरानी स्टोर में हम स्टेट होती थी। इसका हुक्मरान था नवाब अकरम खान और नवाब खानी जमान खान, जो 1956 में पाकिस्तान के साथ जिसका इलाक हुआ ये उसका एक इलाका है नवाई इलाका, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये सिखों के खंडरात हैं जहाँ पे सिख आबादियाँ होती थी, जो जंग आज़ादी जो थी उसमें सैयद अहमद खान शहीद जो यहाँ से याद करके गए, यहाँ के मुकामी लोगों ने भी उनका बड़ा साथ दिया, उनके लश्कर में शुमूल किया मुजाहिदीन के तौर पर इख्तियार की और इन इलाकों से सिखों को मार के भगाया है। तो ये जो है सिखों के खंडरात हैं, कोई उनकी बस्तियाँ जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे ये सारी चोटियों पर आप जाएंगे तो आपको उनकी इस तरह की छोटी छोटी बस्तियाँ जो है वो नज़र आएंगी। तो
ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਮਹੋਰੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜ ਦੇਣ ਇਸਕੋ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਾਖ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜੁਲਦਾ ਪਾਣਾ ਮਿਰਚ, ਪਾਣਾ ਮਿਰਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਡਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਦੇ ਹਾਂ, ਉਡਾਰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਰਸੋਂ ਬਾਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਔਰ ਫੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਕੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਡੱਬੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਣਾ ਲੱਗੇਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੱਕਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਹ ਖੁਕਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈਂ ਪੀਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਜੈ ਨਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਖਬਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੀਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ابھی آ کے واپس کھانا شانا کھایا کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے تو بس ابھی جو ہے نا تیاری شیاری کرتے ہیں تیاری کر کے اس کے بعد جو ہے نا واپسی ہے روان کی ہے گھر کے لیے کیونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے عید تو ختم ہے آج تو آج پھر جائیں گے گھر کے لیے اور کل دیکھیں گے کل کیا پلان کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو مسٹ لائک سبسکرائب اور بیل آئکن کو ضرور پریس کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ